सो वी आर रेडी फॉर राइड, और अब यहाँ से निकलते हैं हम लोग सीधा देवरिया ताल के लिए। तो हम लोग पेट्रोल की बचत कर रहे हैं और चल रहे हैं अभी सीधा, क्योंकि यहाँ से पूरा स्लोप है, 40 किलोमीटर तक तो हमें स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है अभी, नो नीड। अभी हम लोग हैं सारी विलेज में, जहाँ से हम लोग ट्रैकिंग अभी स्टार्ट कर रहे हैं देवरिया ताल के लिए, और हम बिल्कुल जस्ट गेट के सामने खड़े हुए हैं अभी, और बाइक्स हमने अपनी यहाँ पर पार्क कर दी हैं, ये मेरी बाइक और विपिन की बाइक दोनों, और अपने बैग्स वगैरह लगेज शॉप में रख दिए हैं। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं देवरिया ताल ट्रैक, जिसकी दूरी है यहाँ से 2.3 किलोमीटर, और इसमें करीब करीब 1 घंटा लग सकता है हमें आराम से। अभी सर 300 मीटर आए हैं और हार्ट बीट ऐसे, लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो हो सकता है थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा। वैसे यहाँ खच्चर से जाने का ऑप्शन भी है, जिसमें 1000 रुपीज़ ही वो लोग लेते हैं पिकअप एंड ड्रॉप के लिए, बट हमने पैदल जाने का फैसला किया। सारी विलेज से थोड़ा ऊपर चलने के बाद एक और शिव मंदिर आता है, जो कि काफ़ी पुराना बना हुआ लगता है। Oh, 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 oh
अभी मैं जिस मंदिर के सामने था, थोड़ी देर में यहाँ पर रुका, दर्शन किए और चल दिया। तो ये जो मंदिर है ये भी उतना ही पुराना है जितना तुंगनाथ का मंदिर है, उसके करीब करीब उतना ही है, 1000 साल के करीब इसकी आसपास डेट है। और जो यहाँ पर पुजारी थे उन्होंने हाथ वगैरह धो के फिर पूजा पाठ की, और अंदर जो बैल बैठा हुआ था उसको भी कुछ खाने के लिए दिया। अभी मैं आ गया हूँ करीब 600 मीटर, और ये सारा ट्रैक ऐसे पत्थरों का बना हुआ है। हालांकि इस ट्रैक में ये हमारा फ़ायदा है कि हमें ग्रिप मिल जाती है, लेकिन ये भी तुंगनाथ की तरह एकदम खड़ी चढ़ाई है, कहीं भी प्लेन नहीं है, फ्लैट नहीं है, इसमें सिर्फ आपको ऊपर ही चढ़ते जाना है। और मैं चले जा रहा हूँ धीरे धीरे, विपिन बहुत पीछे रह गया अभी। ऊपर आने के बाद मुझे प्यास लग रही है, और पानी की बॉटल और नीचे से हमने शॉप से फ्रूटी ली थी वो दोनों उसके पास है बैग में। तो अब मुझे या तो रुकना पड़ेगा या फिर मैं देवरिया ताल पहुँच के वहाँ पे 2 शॉप हैं वहाँ से पानी लेता हूँ। काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ वैसे मैं, अभी हमने सिर्फ 1200 मीटर कवर किया है और हालत ख़राब है इसमें, क्योंकि कल भी ट्रैकिंग की थी और आज से फिर वही स्टार्ट। अभी ऊपर मौसम कुछ ठंडा है भैया, नॉर्मल होगा जैसा है। अच्छा, ऊपर दुकान है कोई? नहीं नहीं, वापस आना है, आधे पौने घंटे पहुंच जाएंगे। हाँ, फ्रूटी पीने के बाद थोड़ी एनर्जी आई, और 200 मीटर चलने के बाद मुझे ये जगह दिखाई दी। सच ए नाइस प्लेस। ये शायद कोई वाटरफॉल है जो कि सिर्फ बरसात में पानी आता है जहाँ पर। और अभी हमें जाना है ऊपर घूमते हुए यहाँ से ऐसे ऐसे। तो मैं बस पहुंचने वाला हूं अभी, क्योंकि ऊपर आकर लैंडस्केप थोड़ा सा क्लियर हो गया, पेड़ काफ़ी कम हो गए हैं, और देखने से ऐसा लग रहा है कि ये मैं हिल के टॉप पे पहुंचने वाला हूं अभी। लेकिन विपिन का कहीं अता पता नहीं है,
काफ़ी देर पहले मुझे वो एक नीचे एक लूप पे दिखा था, मैंने आवाज़ लगाई उसे बट पता नहीं उसे सुनाई दिया या नहीं दिया। वो अपना चीटी की चाल से धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा है। यहाँ पहुँचने से थोड़ी देर पहले मैंने एक शॉर्टकट ले लिया, जो कि शॉर्ट तो है लेकिन यहाँ मेरे अलावा कोई भी नहीं है। बस यहाँ पर एक छोटी सी पगडंडी है और इधर मुझे ताल दिखाई दे रही है। थोड़ी थोड़ी से दर्शन हुए मुझे ताल के, बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा है। सो द फर्स्ट व्यू ऑफ देवरिया ताल और मेहनत का फल दोनों ही। मैं इस रूट से आया हूँ, ये शॉर्टकट है यहाँ पर, लेकिन ये बहुत छोटी हल्की पगडंडी है और अगर आपको नहीं पता तो यहाँ से नहीं आए, क्योंकि मेरे आगे कुछ लोकल चल रहे थे तो मैं उनके पीछे आ गया था। बट जो मेन ट्रैक है वो बिल्कुल मेरे बैक साइड में है और सामने चौखंबा। अभी ग्रीनरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है, मौसम बिल्कुल साफ और बहुत ही शांत वातावरण, सिर्फ पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं यहाँ पर। सो वैसे तो देवरिया ताल का पानी जो है ग्रीन, काफ़ी ग्रीन दिखाई दे रहा है, जो कि पेड़ों की शेड की वजह से ऐसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये पानी बहुत क्लीन है, लेकिन इसे पी नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी गंदगी वैसे पड़ी हुई है। और हमारा जो आइडिया था कि हमें यहाँ कर दो शॉप्स मिल जाएंगी, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने यहाँ से शॉप्स को कहीं और भेज दिया है, सिर्फ इसलिए कि लोग यहाँ पर आते थे और कूड़ा करकट करते थे, गंदगी करते थे, तो इन्होंने यहाँ से शॉप्स को, दोनों शॉप्स को पीछे, यहाँ से आधा किलोमीटर पीछे शिफ्ट कर दिया है, जो कि मेन ट्रैक पर ही आपको मिल जाएंगी। तो हम लोगों से गलती यही हुई कि हम पानी की एक ही बॉटल लेके आए और जो दोनों शॉप्स थी वो पीछे छोड़ दी, तो अभी बिना पानी के हमें एक घंटा रहना पड़ेगा, वापस जाते हुए हमें फिर से पानी लेना पड़ेगा। आके कुछ देर यहाँ पर रेस्ट करते हैं। वैसे देवरिया ताल अपने आप में कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक सिंपल एक ताल है, तो लेकिन पुराणों में इसके बारे में लिखा हुआ है कि पांडवों ने यहाँ कर पानी पिया था और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस ताल पे एक लोकल ने मुझे बताया कि पहले यहाँ पर स्नोफॉल होता था, लेकिन आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से स्नोफॉल नहीं होता है, वो रेयर चांस है कि हो जाए। Somebody taking a waterfall.
देवरिया ताल से यहाँ पे जा रहे हैं। आप तो ऊपर से ही लाए हैं ना ये देवरिया ताल से? कमाल है, हम लोगों की बैंड बजी हुई है ऊपर से। ताल से भी उधर से आ रहे थे आप लोग, मैंने देखा था। हाँ, तो डेली लाते हो, रोज लाते हो ये? तीसरा चौथा दिन। अच्छा, कमाल है विपिन। अच्छा, तो ये तो आप पशुओं के लिए ले जाते होंगे? तो नीचे नहीं मिलता ये? कमाल है, हम लोग जब देवरिया ताल से चले थे तो ये लोग भी हमारे थोड़ा सा जस्ट पीछे ही थे और ये हमारे साथ साथ किसी शॉर्टकट से आ गए हैं। और नीचे पहुंचने वाले हम लोग, 1.5 किलोमीटर कवर कर लिया, 1 किलोमीटर बचा हुआ है अभी। सो गाइस, हम अपने ट्रैकिंग को यहीं एंड करते हैं और इसके बाद शायद कोई वीडियो ना बनाएं अभी, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे। तब तक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए फॉर नेक्स्ट वीडियो। भैया कितने? 20 रुपये। भैया जाते टाइम फ्रूटी का उधार था, अभी उधार है।